नमस्कार, मैं हूँ प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 22 अप्रैल दिन शनिवार। आप सभी को बिहारी न्यूज की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्य के हर जिले में खुलेगा साइबर क्राइम के लिए अलग थाना। बिहार बीएड एडमिशन को लेकर जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर। मनीष कश्यप मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को भेजी नोटिस। पानी की बचत और उसके क्वालिटी के लिए विभागीय स्तर पर होगी ट्रेनिंग। ने हैदराबाद को 7 विकेट से दी मात। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आईआईटी पटना में 109 पदों पर होगी नियुक्ति। आईआईटी पटना के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, डिप्टी लाइब्रेरियन, टेक्निकल ऑफिसर, साइंस ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जूनियर इंजीनियर, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर समेत 16 पद के लिए 109 रिक्तियों पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सभी पदों के लिए योग्यता अलग अलग रखी गई है, जो अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए गए नोटिफिकेशन में जाकर देख सकते हैं। बता दें कि इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 मई तक निर्धारित की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इसके लिए आवेदन करने के लिए वेबसाइट staffrec.iitp.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। राज्य के हर जिले में खुलेगा साइबर क्राइम के लिए अलग थाना। बिहार में बढ़ते साइबर क्राइम के मामले को देखते हुए बिहार सरकार के द्वारा एक बड़ा और अहम निर्णय लिया गया है। दरअसल बिहार में साइबर अपराधियों पर लगाम लगाया जा सके, इसके लिए सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अब राज्य के हर जिले में साइबर क्राइम के लिए अलग अलग थानों को खोला जाएगा। वह इन थानों का संचालन बेहतर ढंग से किया जा सके, इसके लिए 44 डीएसपी समेत 660 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसको लेकर मुख्य सचिव आमिर सुभानी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सहमति जता दी गई है। मालूम हो कि बैठक प्रशासी पदवर्ग समिति के साथ थी। बता दें कि इस बैठक में यह भी साफ कर दिया गया है कि राज्य में साइबर क्राइम एवं सोशल मीडिया यूनिट के 74 यूनिट में से 44 यूनिट को साइबर पुलिस थाना के रूप में बदला जाएगा। बिहारी बोधरे स्पेशल में आज हम बात करेंगे मंसूर होदा के बारे में। मंसूर होदा का जन्म आज ही के दिन 1930 में हुआ था। यह एक टेक्नोलॉजिस्ट है। बता दें कि 1968 में अपने भाई सुरूर होदा के साथ और सुमाकर की मदद से उन्होंने इंडिया डेवलपमेंट ग्रुप यूके का गठन किया, जो ब्रिटेन में भारतीय व्यापार समुदाय की मदद से भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाता है। 1983 में मंसूर होदा ने लंदन में गांधी फाउंडेशन की स्थापना में मदद की। वह लखनऊ में सुमाकर इंस्टीट्यूट ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिए भारत लौटा। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम भारत में बेरोजगारी की समस्या है। अक्षय तृतीया को लेकर दूर करें अपना कंफ्यूजन। अक्षय तृतीया कब है, इसको लेकर लोगों के बीच काफी कंफ्यूजन बना रहता है। ऐसे में इस बार भी लोगों के बीच यह स्थिति बनी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि अक्षय तृतीया 22 अप्रैल को मनाया जा रहा है, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अक्षय तृतीया 23 अप्रैल को मनाया जाएगा। ऐसे में एक समाचार पत्र से बातचीत करते हुए ज्योतिष के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अक्षय तृतीया हर साल वैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया मनाया जाता है। बता दें कि ज्योतिष के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस बार अक्षय तृतीया 22 अप्रैल यानी कि आज मनाया जाएगा, जो कि 23 अप्रैल की सुबह तक रहेगा। मालूम हो कि आज अक्षय तृतीया की शुरुआत सुबह 8:09 से होकर 23 तारीख को सुबह 8:14 तक रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि अक्षय तृतीया पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त की शुरुआत 11:45 से होगी, जो कि 2:45 तक रहेगी और फिर संध्या 6 से लेकर 8 बजे तक रहेगी। बता दें कि आज के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करना काफी शुभ माना जाता है। बिहार बीएड एडमिशन को लेकर जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर। बीते गुरुवार को सीईटी बीएड का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में अब नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि बहुत जल्द ही अभ्यर्थियों की सफल काउंसलिंग की जाएगी, लेकिन इस दौरान अभ्यर्थियों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा केवल एक बार ही उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि अगर अभ्यर्थियों को नामांकन की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो वह जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 9431041694 पर कॉल करके अपनी समस्या का निदान पा सकते हैं। इसके साथ ही अभ्यर्थी ईमेल आईडी helpdesk.ceetbeard2023@gmail.com पर भी मेल कर अपनी समस्या का निदान पा सकते हैं। बता दें कि उनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार नामांकन संबंधित सभी प्रक्रिया 30 जून तक पूरी कर ली जाएगी। मनीष कश्यप मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को भेजी नोटिस।
बीते दिन तमिलनाडु में बिहारियों के साथ कथित हिंसा को लेकर फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में गिरफ्तार मनीष कश्यप के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनवाई की गई। बता दें कि कल की सुनवाई के बाद ऐसी संभावना जताई जा रही है कि मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है। मालूम हो कि बीते दिन हुई सुनवाई के बाद तमिलनाडु कोर्ट के द्वारा मनीष कश्यप के ऊपर लगे NSA मामले को लेकर तमिलनाडु सरकार को एक नोटिस भेजा गया और उनसे जवाब मांगा गया है कि मनीष कश्यप पर NSA लगाने का आधार क्या है। बता दें कि इस मामले पर कोर्ट के द्वारा अगली सुनवाई 28 अप्रैल 2023 को की जाएगी। इसके साथ ही मनीष कश्यप के वकील के द्वारा कोर्ट से मनीष कश्यप के ऊपर अलग अलग राज्यों में दर्ज मामलों को क्लब करने की अपील की गई थी, जिस पर कोर्ट के द्वारा 28 अप्रैल 2023 को ही सुनवाई की जाएगी। BSSC CGL 2023 का रिजल्ट इस दिन होगा जारी। अगर आप भी BSSC तृतीय स्नातक स्तरीय PT परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि बहुत जल्द ही आपका इंतजार खत्म होने वाला है। बता दें कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा परीक्षा का परिणाम 30 अप्रैल को जारी किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह परीक्षा आयोग द्वारा 2248 रिक्तियों के लिए ली गई है और प्रावधान के अनुसार मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका रिक्तियों के 5 गुना अभ्यर्थियों को मिलेगा। यानी कि इस प्रकार लगभग 11,000 परीक्षार्थियों को प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किया जाएगा। बता दें कि फिलहाल OMR सीट का मूल्यांकन और रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। राज्य में प्रशासन की तरफ से ईद की तैयारी हुई पूरी। बिहार में ईद को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा की सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। बता दें कि इस बारे में ADG मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि ईद के दिन राज्य में 8 विशेष सहायक पुलिस की 29 कंपनी, रेंज के रिजर्व फोर्स 12 कंपनी और गृह रक्षक वाहिनी के 5700 जवान तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में 7 कंपनियों की भी तैनाती की गई है। उन्होंने बताया कि वैसे इलाके जो ज्यादा संवेदनशील है वहां विशेष चौकसी रखी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कुछ जिले ऐसे हैं जहां ईद पर खास इंतजाम किया गया है, जिसमें बिहार की राजधानी पटना, गया, औरंगाबाद, नालंदा और दरभंगा शामिल है। वहीं बिहार की राजधानी पटना में अलग से सुरक्षा बल की तैनाती की गई है और साथ ही पटना के गांधी मैदान में 5 DSP की भी तैनाती की गई है। पटना हाईकोर्ट में सरकारी अस्पतालों में अवैध अतिक्रमण पर हुई सुनवाई। बीते दिन पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस KV चंद्रन के द्वारा राज्य के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में हुए अवैध अतिक्रमण के मामले को लेकर विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। बता दें कि सुनवाई के दौरान कोर्ट के द्वारा राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा गया कि 4 हफ्ते में स्थिति का स्पष्ट किया जाए। बता दें कि जनहित याचिका में कोर्ट को यह जानकारी दी गई कि राज्य के विभिन्न अस्पतालों में अवैध भूमि अतिक्रमण हुआ है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा इसे हटाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। वहीं पूर्व की सुनवाई में कोर्ट के द्वारा बताया गया था कि बिना सरकारी भूमि को चिन्हित किए और 4 दीवारी बनाए भूमि के अवैध अतिक्रमण को हटाया नहीं जा सकता। बता दें कि अब इस मामले पर कोर्ट के द्वारा अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद की जाएगी। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सफारी के बारे में। वाइल्ड लाइफ सफारी राजगीर का वर्तमान समय में यह एक प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। यहाँ पर काफी अधिक संख्या में लोग काफी दूर दूर से आया करते हैं। यहाँ पर जाने के उपरांत आप कई जीव जंतु और पशु पक्षियों को देख सकते हैं। यह जगह एक प्राकृतिक प्रेमी को काफी पसंद आता है। यहाँ पर जाने के उपरांत आप बाघ, हिरण, भालू, शेर, चीता, लकड़बग्घा, तेंदुआ आदि जैसे जानवरों और कुछ विलुप्त होने वाले पक्षियों को भी देख सकते हैं। यह जगह राजगीर में एक शांत वातावरण एवं हरा भरा वातावरण घूमने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसे बिहार सरकार के द्वारा 177 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। पानी की बचत और उसके क्वालिटी के लिए विभागीय स्तर पर होगी ट्रेनिंग। बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को बिहार में पानी की बचत और उसके क्वालिटी के लिए विभागीय स्तर पर ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि ट्रेनिंग के खत्म होने के बाद कर्मचारी अपने संबंधित क्षेत्र में लोगों को पानी की बचत की जानकारी और पानी की क्वालिटी के विषय के बारे में जानकारी दे सके। बता दें कि इसके लिए PhD विभाग की ओर से शिक्षा, स्वास्थ्य, पथ निर्माण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज सहित सभी विभागों से समन्वय किया जा रहा है और साथ ही विभिन्न विभागों से पानी से प्रभावित समस्याओं के आंकड़े भी एकत्रित किए जा रहे हैं, ताकि विभिन्न विभागों से मिले उस आंकड़े के आधार पर पानी से उत्पन्न हुई समस्या को दूर किया जा सके। बता दें कि इसको लेकर PhD मंत्री ललित कुमार यादव के द्वारा कहा गया है कि पानी हर आदमी से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके प्रयास के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि PhD के द्वारा विभिन्न विभागों से बातचीत करके उनसे संबंधित क्षेत्र में पानी को लेकर होने वाली समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेगा। मुंगेर में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की मिली स्वीकृति।
बिहार सरकार की ओर से बिहार के मुंगेर जिले के जमालपुर प्रखंड अंतर्गत बांग पंचायत के मंगड़ा पोखर में मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर स्वीकृति दे दी गई है। यानी कि अब बहुत जल्द इस मेडिकल कॉलेज के मॉडल भवन निर्माण की निविदा भी जारी की जाएगी। बता दें कि मुंगेर के सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के द्वारा एक पत्रकार सम्मेलन में जानकारी देते हुए कहा गया है कि इस मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा स्थल का चयन कर लिया गया है और राज्य सरकार से इसकी स्वीकृति भी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि इस मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए सतत लीज के आधार पर रईतों ने 99 वर्ष के लिए जमीन देने का शपथ पत्र जिला प्रशासन को दिया है। राज्य में 24 घंटे में बदल सकता है मौसम का मिजाज। राजधानी समेत प्रदेश में बीते दो हफ्तों से भीषण गर्मी और लू से अब लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वा हवा के चलने से तापमान में गिरावट आने के साथ लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। हल्की बारिश और बूंदाबांदी के साथ बादल छाए रहने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के निदेशक विवेक सिन्हा ने बताया कि पटना समेत पूरे प्रदेश में बीते दो हफ्तों से भीषण गर्मी व लू से अब लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। अगले 24 घंटे के दौरान मौसम करवट लेगा, पूर्वा हवा चलेगी, इससे तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। इसके अलावा जगह जगह बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश या बूंदाबांदी की भी संभावना है। शुक्रवार को भी पटना समेत प्रदेश के रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, नालंदा, जमुई, बांका जिले में लू का प्रभाव रहने के आसार हैं। नवादा पुलिस ने 21 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। बिहार में बढ़ती साइबर क्राइम को देखते हुए बिहार के नवादा में एसपी के आदेश पर नवादा पुलिस साइबर अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चलाई जा रही है। बता दें कि इस कड़ी में इस अभियान के दौरान बीते दिन नवादा पुलिस के द्वारा छापेमारी कर कुल 21 साइबर अपराधियों को अपनी गिरफ्त में लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह घटना बीते गुरुवार की है, लेकिन पुलिस के द्वारा यह सूचना बीते दिन यानी कि शुक्रवार को दी गई है। पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कुछ लोग वारसालीगंज थाना क्षेत्र के आदमपुर गांव स्थित मामा बगीचा में बैठकर एक दूसरे को फोन लगाकर ठगी का काम कर रहे थे। उसी दौरान पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई और सभी साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। चारधाम यात्रा का आज से हुआ आगाज, इन नियमों से श्रद्धालुओं को मिला छुटकारा। आज से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है। ऐसे में सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें कि इस फैसले के तहत चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सीमित संख्या की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है और साथ ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बाध्यता की भी समाप्ति कर दी गई है। इस फैसले को लेकर अपर मुख्य सचिव राधा रतूरी के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। हालांकि यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक होगा। बता दें कि इस बारे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ट्विटर पर ट्वीट कर जानकारी भी दी गई है और लिखा गया है कि श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए चारधाम यात्रा के दौरान दर्शनार्थियों की संख्या में प्रत्येक धाम में प्रतिदिन के सीमित रखने के निर्णय को वापस ले लिया गया है। साथ ही अधिकारियों को यात्रा काल में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूर्ववत जारी रखने एवं यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। 2300 छात्राओं को मिलेगी स्नातक प्रोत्साहन राशि। राज्य सरकार के द्वारा स्नातक पास करने वाली छात्राओं को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत 25,000 और 50,000 रुपए की राशि दी जाती है, लेकिन ऐसे में कई छात्राओं को अब तक प्रोत्साहन राशि नहीं मिल सकी है। इसी को देखते हुए शिक्षा विभाग के उच्च निदेशालय के द्वारा ऐसे 2300 छात्राओं का चयन किया गया है जिनका औपचारिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद प्रोत्साहन राशि जारी की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन छात्राओं का चयन किया गया है उनमें वैसी छात्राएं शामिल हैं जो निर्धारित समय बीच जाने के कारण अब इस प्रोत्साहन राशि को लेकर ना उम्मीद हो चुकी हैं। ऐसे में उच्च शिक्षा निदेशालय के द्वारा एक बार फिर छूटी अन्य छात्राओं को भी एक और अवसर देने का निर्णय लिया गया है। इन छात्रों के लिए एक बार फिर से आवेदन का पोर्टल खोला जाएगा। भारत नेपाल सीमा सड़क का इस साल 80% निर्माण होगा पूरा। सीमा की सुरक्षा और लोगों के बेहतर आवागमन को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा 2012-13 से भारत नेपाल सीमा सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसका 80% निर्माण कार्य को इस साल यानी कि वर्ष 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं बाकी बचे 20% कार्य को वर्ष 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक इस सड़क का निर्माण केवल 226 किलोमीटर ही हो सका है। वहीं बिहार में इस सड़क का कुल 552 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण होना है। बता दें कि बिहार के जिन जिलों से यह सड़क गुजरती है उनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज शामिल है। मालूम हो कि अब तक सड़क के निर्माण को लेकर 1,280 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। यह सड़क 7 मीटर चौड़ी होगी और साथ ही सड़क के दोनों ओर 2.5 मीटर के फुटपाथ भी होंगे। उपेंद्र कुशवाहा अमित शाह की मुलाकात पर जेडीयू का बयान।
देश के गृह मंत्री अमित शाह और आरएलजेडी के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बीच हुई मुलाकात को लेकर जेडीयू के नेताओं के द्वारा तंज कसा गया है। बता दें कि जल संसाधन मंत्री संजय झा के द्वारा कहा गया है कि जब उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में आए थे तो बीजेपी को लेकर कुछ और ही बोलते थे, लेकिन अब वह जो अमित शाह के पास गए हैं यह तो होना ही था, पर उनके जाने का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वहीं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार के द्वारा कहा गया है कि बीजेपी अपने वादे पर कायम नहीं रहती है। पहले बोलती थी कि अकेले सक्षम है, अब राजनीतिक सहयोग बना लिया। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा अगर अमित शाह से मिले हैं तो हम लोगों को कहां चुनौती है, ये तो हर दम आते जाते हैं, इनका ट्रांसफर पोस्टिंग होते रहता है। उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में है। बीजेपी सत्ता में आई तो बिहार में मिलेगा अमृत। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन शराब तस्कर की गिरफ्तारी की जाती है और भारी मात्रा में शराब बरामद किए जाते हैं। ऐसे में हाल ही में हुए बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से हुई मौत के बाद एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में शराबबंदी को लेकर चर्चा तेज हो गई है और विपक्ष के द्वारा लगातार नीतीश सरकार पर हमला बोला जा रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के द्वारा बिहार के कैमूर जिले में बिहार सरकार पर हमला करते हुए बोला गया कि बिहार में शराबबंदी का स्क्रिप्ट शराब पीकर लिखा गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के अगल बगल शराब माफियाओं और शराबियों का जमावड़ा रहता है। वहीं अब उनसे यह पूछा गया कि क्या बीजेपी के सत्ता में आने पर शराबबंदी खत्म हो जाएगी। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने दीजिए तो बीजेपी में अमृत राज होगा, लोगों को अमृत पिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर 2025 में बीजेपी सत्ता में आती है तो बीजेपी अमृत कलश से लोगों को अमृत पिलाने का काम करेगी। प्रशांत किशोर ने बताया बिहार में फैक्ट्री न लगने का कारण। चुनावी राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों अपने जनसुराज पदयात्रा के दौरान वैशाली में है। इसी दौरान उन्होंने बीते दिन वैशाली के गोड़ौल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर नरेंद्र मोदी सूरत में इतनी फैक्ट्री लगवा सकते हैं तो क्या वो वैशाली और चंपारण में 2-4 फैक्ट्री नहीं लगवा सकते। उन्होंने कहा कि क्या कोई देश में ऐसा बिजनेसमैन है जिसको प्रधानमंत्री बिहार में फैक्ट्री लगाने के लिए बोले और वो मना कर दे, लेकिन नरेंद्र मोदी बिहार में इसलिए फैक्ट्री नहीं लगवा रहे हैं क्योंकि अगर वो यहाँ फैक्ट्री लगवा देंगे तो पूरे देश में 15,000 में मजदूरी करने वाले 2 करोड़ मजदूर उन्हें कहां से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में नरेंद्र मोदी ने बिहार के विकास के लिए एक बैठक तक नहीं की और अगर वे मुझे ऐसी बैठक का प्रमाण दिखा देते हैं तो मैं खुद नरेंद्र मोदी का झंडा उठाकर चलूंगा। चेन्नई ने हैदराबाद को 7 विकेट से दी मात। बीते दिन आईपीएल 2023 के 29वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद के साथ हुआ। बता दें कि कल का यह मैच चेन्नई के चेपक स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें धोनी की कप्तानी वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को 7 विकेट से हरा दिया गया। बता दें कि चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, वहीं पहले सनराइजर्स हैदराबाद के द्वारा बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 134 रन बनाए गए, जिसका पीछा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा 18.4 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 138 रन बनाकर अपना लक्ष्य हासिल कर लिया गया। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1921 में इंडियन सिविल सर्विस से त्याग पत्र दिया। सन 1970 में दुनिया में पहली बार पृथ्वी दिवस मनाया गया। भारत के अंतिम मुगल सम्राट अकबर द्वितीय का 1760 में जन्म हुआ। भारतीय लेखक चेतन भगत का 1974 में जन्म हुआ। बंगाली सिनेमा के पहले स्टार कन्नन देवी का 1916 में जन्म हुआ। भारतीय फैशन फोटोग्राफर अतुल काबेकर का 1965 में जन्म हुआ। भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञों में से एक तथा मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल महमूद अली खां का 2001 में निधन हुआ। भारत के प्रसिद्ध वायलिन वादक लालगुड़ी जयरमन का 2013 में निधन हुआ। काकोरी कांड के प्रसिद्ध क्रांतिकारी जोगेश चंद्र चटर्जी का 1969 में निधन हुआ। समाज सुधारक मंगूराम का 1980 में निधन हुआ। आज के दिन को विश्व पृथ्वी दिवस और जल संसाधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इंस्टाग्राम के बायो में 5 लिंक्स कर सकते हैं ऐड। मेटा ने इंस्टाग्राम में एक नया फीचर जोड़ा है जिससे यूजर्स अपने प्रोफाइल में एक से ज्यादा लिंक ऐड कर सकते हैं। नए फीचर की घोषणा फोटो और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने अपने आधिकारिक अकाउंट के माध्यम से की है। इंस्टाग्राम ने लिखा है अब आप अपने इंस्टाग्राम बायो में अधिकतम 5 लिंक जोड़ सकते हैं। अगर आप अपनी प्रोफाइल के बायो में एक से अधिक लिंक जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आपको अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर इंस्टाग्राम ओपन करें। अपनी प्रोफाइल पर जाने के लिए नीचे दाईं ओर प्रोफाइल आइकन पर टैप करें। स्क्रीन के टॉप पर एडिट प्रोफाइल टैप करें। लिंक पर टैप करें। फिर अपनी वेबसाइट के लिए URL जोड़ने के लिए ऐड एक्सटर्नल लिंक्स पर टैप करें। एक्सेप्ट पर टैप करें। फिर अपने परिवर्तनों को सेव करने के लिए एक बार फिर से एक्सेप्ट पर टैप करें।
पालघर में आज हम बात करेंगे लैपटॉप की पेशकश के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। ऐसे करें आज हम बात करेंगे मुफ्त लैपटॉप की पेशकश के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सोशल मीडिया पर एक लिंक के साथ एक संदेश प्रसारित हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि युवाओं के लिए मुफ्त लैपटॉप की पेशकश की जा रही है और इसे बुक करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करके व्यक्तिगत विवरण मांगा जा रहा है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि प्रसारित लिंक और संदेश नकली है, व्यक्तिगत जानकारी साझा करते समय सतर्क रहें। अमेरिका के छात्र संघ चुनाव में जीता बिहारी। भारतीय हर क्षेत्र में देश के हर कोने में अपना पहचान बना रहे। बता दें कि एक बार फिर दो भारतीय ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो अब तक कोई भारतीय नहीं कर पाया था। दरअसल अमेरिका के बाबसन कॉलेज में हाल ही में हुए चुनाव में दो भारतीय छात्रों को स्नातक और स्नातक छात्र सरकार के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। मालूम हो कि संस्थान में ऐसा पहली बार हुआ है कि दो भारतीयों के द्वारा छात्र संघ चुनाव में जीत दर्ज की गई हो। लेकिन आपको बता दें कि इस जीत में दिलचस्प बात यह है कि इन दो छात्रों में से एक छात्र बिहार की राजधानी पटना का रहने वाला है जिसका नाम बसु सिंह है और 26 वर्षीय है। बता दें कि बसु सिंह को स्नातक छात्र सरकार के अध्यक्ष के पद पर जीत मिली है और वह फिलहाल सोशल इनोवेशन स्कॉलर के रूप में बाबसन कॉलेज से एमबीए कर रहे हैं। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि कुमार राम, प्रमोद राम, शंकर मुखिया, रमा शंकर जायसवाल, वेद प्रकाश सिंह, नरेश राम, अनवर करीम खान, योगेंद्र रजक, अभिनंदन कुमार, मुकेश कुमार, शंकर मुखिया, धीरेन्द्र कुमार, ऋषिदेव, ललिता कुमारी, आरएस अमरेश, कन्हैया कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए में जाने से महागठबंधन पर कितना असर पड़ेगा? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।